हाँ जी, तो नया दिन शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बड़ी कैसे हो, सब ठीक हो, फिट फाट हो? यार गाँव आके आपके भाई की रूटीन रून खराब हो गया है, वाहू खराब हो गया होगा भाई की। आपका भाई आज उठा है 11 बजे, पहले मुड़ जाता हूँ सुबह 9 बजे, लेकिन आज उठा हूँ 11 बजे और 11:30 में कपड़े छपड़े पहन के अभी 12 बजे और मैं रेडी शेडी होकर बिल्कुल ठीक ठाक होकर छत पे आ गए। मन के चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो मौसम दिखाऊँ, बड़ा ही लेवल का, ये देखो कितना कमाल का मौसम, बड़ा ही यार ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये आपको अच्छा आपको एक नया व्यू दिखाता हूँ, ये देखें जी, बड़ा ही लेवल का व्यू इशू है, कमाल का व्यू यार, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है मेरे को। चलो वहां पे जाके ब्लॉग शो शुरू करते हैं। खैर वेलकम बैक हो गया सब, कैरन ब्लॉग के अंदर भी अभी मजा आएगा ना वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो जिसने अभी तक हमारी मस्तियां ब्लॉग गैंग को ज्वाइन नहीं किया है, तो यार कर लो ज्वाइन, अल्लाह के बंदो आपका भाई थक गया आपको बोल बोल के, यार आप करते ही नहीं हो, ऐसे मजा थोड़ी आता है यार, आपकी मेहरबानी यार, कर दिया करो यार, कर दिया करो, अब रुलाना है रुलाएगा पगले क्या। चलो छोड़िए इस बात को। खैर अभी हमारे प्लान क्या, आज बातचीत कम करेंगे, अभी खाना खाता हूँ, उसको नहीं छोड़े उसको पुरुक रहे, अभी निकलेंगे खाना खा के, हमने जाना है खिटास राज मंदिर आपको सैर सू करवाने के लिए, अभी चलते हैं वहाँ पे जाके शुगर मेले करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है वहाँ पे, बड़ा ही लेवल का वहाँ पे शुगर मेला होगा, अभी चलते हैं। अभी मेरा दोस्त आ रहा, अगर वो ना भी आया तो मैं अकेला चला जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा जरूर, वहाँ भी जा रहा हूँ खिटास राज मंदिर, आपको पूरा विजिट करवाऊँगा बड़ा ही लेवल का। और खिटास राज का मंदिर का जो मुझे मशहूर है वो मेरे बड़े ही प्यारे भाई टिकटॉक स्टार शहबाज चीमा साहब, मेरे बड़े भाई जिनकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं, जो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं और बड़े अच्छे बंदे हैं, अल्लाह ताला उनको भी लंबी ज़िंदगी अता करे, अल्लाह पाक उनको और रिश्ते अता करे, ठीक है। शहबाज चीमा साहब और जट साहब की मेहरबानी, उन्होंने मुझे बोला कि इस साइड पे जाओ, आपका तो इलाका बड़ा खूबसूरत, मेरा तो गाँव नहीं है, कहते आपका इलाका बड़ा खूबसूरत है, उधर जाके ना आप जो है ना ये व्लॉग श्लॉग बनाओ। अभी उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि आप खिटास राज मंदिर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो विजिट करते रहते हैं ना, तो वहाँ ज़रूर जाना। अभी मैं जाता हूँ, वो कुछ दिखाऊँ, वो देखो जी, ओए होए होए होए, ए पहाड़ी के ऊपर से ट्रक आ रहा है, ये देखें, ये देखें, किसी को नज़र आ रहा हो तो हैं वो भैंस की दुम, ये देखो भाई किस किस जगह पे पहाड़ पुड़ों पे ट्रक ट्रुक कहाँ पे चढ़ गए हैं। चलो खैर अभी चलते हैं नीचे नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद फिर निकलते हैं। ओके A few moments later. फैले भी हम खिटास राज मंदिर बिल्कुल पहुंच चुके हैं, उसके गेट पे खड़े हैं, ये देख सकते हैं आप, और ये पहले आपको बाहर से वीडियो करूँ, ये देखें ये सारा व्यू देखें, बड़ा ही लेवल का व्यू देखें, ये बाहर सारा मॉल शोला, ये पहाड़ों के दरमियान में बनाया हुआ मंदिर, ये बड़ा पुराना है, ये मॉल शोला को दिखा दूँ, वहाँ से रोड आ रहा है, वो सामने कोई ट्रिप वगैरह आई हुई घूमने फिरने के लिए, वहाँ से व्यू आ रहा है, सारा व्यू चल रहा है, ये देखें जी, ये व्यू शू देखें, बड़ा ही लेवल का व्यू है, देखें अभी हमने जाना है यहाँ से अंदर, अभी चलते हैं अंदर तो जाके देखें क्या मॉल शोला है, ये देखें जी यहाँ से एंट्रेंस है, ये गेट लगा हुआ, मैंने टिकट वगैरह कोई नहीं, यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, हम भी कर जो हम भी चले जाते हैं, ये दो लोग शो, अस्सलाम वालेकुम, दो लोग शो यहाँ बैठे हैं, पहले चलते हैं नीचे, आपको नीचे से दिखाता हूँ, बड़ा ही लेवल का व्यू है यहाँ पे, ये देश लिखे हुए इनकी कोई हिस्ट्री वगैरह, ये श्री खिटास राज मंदिर चकवाल, ये देखें जी बड़ा ही लेवल का, ये देखें व्यू शो है, यहाँ बड़ा मॉल शो बनाया हुआ है कमाल का, यहाँ पे पता है क्या हिस्ट्री की ये है कि यहाँ पे हिंदू वगैरह जो होते थे पुराने दौर में हिंदू, उनका ये मंदिर था, बड़ा पुराना मंदिर है ये, अभी ये ट्रैक से हम चलते हैं, उनका मंदिर था लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं होते, तो साल के बाद यहाँ पे वो आते हैं अपना जो उनकी रस्में होती हैं हिंदुओं की उनको पूरा करने के लिए, ये ट्रैक ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से एंटर होना है, और मैं अभी दिखाऊँ कि हम वहाँ से आए तो पीछे से हम काफ़ी आगे, अभी ऊपर भी वो वहाँ ऊपर भी हम आपको लेके चलेंगे, उस जगह में आपको लेके जाऊंगा, लेकिन अभी आपको नीचे से दिखा दूँ कि नीचे मॉल शोल क्या है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ ये ट्रैक्टर की बना हुआ है, अभी इससे आगे जाएंगे वहाँ पे जाके थोड़ा सा आगे, तो वहाँ से आपको अच्छे से विजिट करवाऊँगा, अभी ये खोल तो नहीं सकते क्योंकि अभी टाइमिंग इनकी लास्ट हो, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो लास्ट हो गया, मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद एक ऐसा व्लॉग बनाऊँ कि जिसमें इसकी पूरी हिस्ट्री, इसका पूरा वो उनको बोल के विजिट करवा के आपको खुलवा के, जो इनकी बुत छुत होते हैं जो भगवान चगवान, वो भी आपको दिखाए जाए, ये देख सकते हैं आप, ये इनके यहाँ पे रहने के लिए लोगों के जो सर्वेंट वगैरह होते हैं काम करने वाले होते हैं उनके लिए, वो मंदिर वगैरह इनके बने हुए ही देख सकते हैं आप, अभी चलते हैं आगे तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी झील भी है, चश्मा उसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये हिंदुओं के लिए है, हमारे लिए तो नहीं है, तो उनके लिए है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ चल के, तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ आपके आगे, वो चश्मा आ गया है बिल्कुल, उसका चश्मे करीब आ गया हूँ मैं, हम अभी पहुँच चुके हैं चश्मे के करीब, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये सीढ़ियाँ वगैरह, अच्छा ये इनका कुछ लिखा हुआ यहाँ पे,
ये अमृत कुंड मुकद्दस चश्मा, ये हिंदुओं के लिए जी मुकद्दस चश्मा है। दिखाता हूँ ये पहले व्यूज देख लें आप, बड़ा ही लेवल का ये मंदिर चंद्र बने हुए सारे हिंदुओं के, जो पूजा पाठ होती है जो करते हैं वो उनके बने हुए हैं जी। हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारा आप देख सकते हैं जी, ये सारा जो मोल शोल। अच्छा ये उनका चश्मा है, ये ना देखें ब्लू कलर का पानी, ये सारा उनका चश्मा है जहाँ से वो कहते हैं कि बड़ा इसके नहा अंदर नहाने से उनके गुनाह शुना डलते हैं। तो ये देखें जी सारा सामने से इसकी हिस्ट्री देखें जी, सारा जो पुराने दौर का बना हुआ नया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये बस ये है कि यहाँ पे कुछ वो छोटा मोटा काम होने वाला होता है वो करते हैं। ये देखें जी, करीब करता हूँ इसको, ये देखें ये पानी आ रहा है जी, ये पानी पीछे से छोड़ा गया जी। ये देखें ये वो जो कहते हैं जी हमारा भगवान रोया था तो उसके रोने से ये चश्मा बना था। तो ये मोशुल यहाँ पे सारा आए, वो देखो ऊपर भी बंदे बुंदे बैठे हुए हैं, दिखाता हूँ आपको चल के ऊपर भी। बाकी का पता, मेरी बाँह थक थक गई है, बाँह फिर फुर के हमारा। इधर 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 आपको दिखाता हूँ ऊपर, मोल छोल काफ़ी यहाँ पे चलते हैं, काम कुम हो रहा है यहाँ पे। ये देखें वो भी आगे तक है, ये देखें ये सारा मोल छोल है यहाँ पे। नीचे चलते हैं, वहाँ मेरे ख्याल पूजा हो रही है उनकी, तो वो उनका गाने गुने गा रहे हैं बैठ के, पता नहीं क्या गा रहे हैं। तो चलते हैं वो भी देखते हैं क्या कर रहे हैं, किसी को छेड़ना नहीं चाहिए यार, करते हैं तो करते नहीं, हमारा अपना मजहब है उनका अपना। और लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपना हमें मुसलमान बनाया और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को उम्मती बनाया, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। तो सब एक दफ़ा कमेंट्स में अल्लाह लिख के मुझे मैसेज करें, लाजमी आपने कमेंट में अल्लाह लिखना है। तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर ट्रिप से काफ़ी घूमने फिरने के लिए, देख सकते आए हुए यहाँ पे रोला शोला काफ़ी। ये अभी चलते हैं नीचे, दिखाता हूँ आपको, बड़ा मोल शोल है नीचे, यहाँ बड़ा मोल शोल है, वहाँ हम घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आई हुई है। हाय हाय हाय, बच्चे बच्चे काफ़ी खड़े हैं यहाँ पे हैं। ये देखिए बड़ा लेवल का मोल शोल है, ये देखें हाय 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 कैसा सीन, बड़ा लेवल का। ये देखिए दरख्त ऊपर लगा हुआ है, लेकिन दरख्त का सीन ये है कि हमारी ब्लॉगिंग अंदर ही रह रू जानी है। ये देखें दिखा दूँ घूम पूछू घुमा फिर आके, ये देखें बड़ा ही लेवल का मोल शोल है यहाँ पे, कि मैं किसी किस्म का आए। ये दोबारा हम उसी जगह पे आ चुके हैं, ये वाला वो झील पानी पुनी नीला पानी जहाँ पे वो रोया था वाम ठीक। अभी चलते हैं आगे, कुछ देखता हूँ कि स्टोन वगैरह कुछ खोलते हैं, कुछ भी होता तो फिर आपको दिखाता हूँ। वो भी अगर खुल खुल गया तो ठीक है, ना खुला तो फिर वो अल्लाह की मर्जी। कलंदर अली दम पहला नंबर इस्तेमाल दम चकी शाबान लाल मेरी पूजा से जो हो रही थी फैमिली वगैरह उनके साथ, लेकिन यहाँ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है। ये देखें ये सीन देखिए, और ये पता नहीं क्या बनाया हुआ है। ये देखिए जी, शुक्र है ये आला मुसलमान पैदा किया हमें। ये देख सकते हैं आप यहाँ मोलसुल देखें, व्यू मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि मोलसुल काफ़ी है ना यहाँ पे व्यू, यहाँ पे ना व्यू या मतलब जो कुदरती होता है ना, मतलब ये तकरीबन बता रहे हैं कि 5000 साल पुराना, मैं तो जब से पैदा हुआ तकरीबन मेरी भी आज 18-19 साल एज होगी, मैं भी देख रहा हूँ तब से ये बना ही हुआ, मैं भी बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरा तो गाँव है ना, मैं तो समझ लेके पैदा होते ही यहाँ पे आ गया था। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। देखें जी अभी हम यहाँ से गुजर के गए हैं, पहले भी दोबारा इसी जगह पे आ गए हैं, ये यहाँ वाम काफ़ी जा रही है यहाँ से, ये भाई लोग ही हमारे साथ अभी जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाना हमने, ऊपर जाते हैं तो मैं आपको फिर दिखा दूँ। ये पुराना जो होता था ना सीन पुराने दौर वाला, ये वो सारा सीन है, ये देखें पुराना बना हुआ है, ये देख लें जी बड़ा ही लेवल का जो है व्यू। अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर, हमने जाना है ये देखें भाई लोग सारे ऊपर चले गए, हम भी चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्री हनुमान जी उनके जो थे भगवान बजरंग बली वाले, बचपन बड़े कार्टून शार्टून देखे हुए हमने भी, वो अभी दिखाएंगे हमें, चलते हैं ऊपर उसको देखते हैं। चलते हैं अंदर, ये देखें जी ये सारा मंदिर है हनुमान जी का, ये देखें जी यहाँ पे पंडित जी देख लें, इनकी बात का टाइम हो गया, अभी हम ज़्यादा यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, चलते हैं हम बाहर। ये भाई भी हैं और वो हमारा गाइडर जा रहा आगे, उसको भी साथ इसको लगा दी हमारे, घूम झूम के बाहर आ गया, बैठ गए गाड़ी में, अभी चल के चाय छुई पीते हैं यहाँ पे, हैं यहाँ पे बड़ी अच्छी है, जो यहाँ में क्या नाम है,
चाचा बेंजो चाचा बेंजो से चाय पीते चल गए यार। तो फिर है आगे तो बड़ा माहौल चल रहा है, यहाँ पे चलते हैं आगे। यहाँ यार वो लोग अपना लेडीज़ भी थी काफ़ी यहाँ पे, आपको पता, लेकिन रिस्पेक्ट करनी चाहिए लेडीज़ की, तो वो नहीं बनाया गया इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं यहाँ पे लिया। वहाँ पे सर ना ट्रिप्स वगैरह थी, लड़कियाँ आई हुई थी, मैं कहा चलो ऐसे अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है, हर एक इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, तो मैं कहा चलो हम निकलते हैं, पर इससे बेहतर है कि ये लेडीज़ से बचना तो फिर बंदा बाहर ही चला जाए। मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, आ गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अलावा ना एक ट्रिप ऐसा किया जाए दोस्तों के साथ, जो मतलब गेट टुगेदर के जिस दिन लड़कियाँ ना हो तो आपको पूरा सैर करवाया जाए, शुगर मिला करवाया जाए, ठीक है। यहाँ पर रुके हमें, मैं और लियाकत भाई मेरे साथ, ये देखें यहाँ से ना ये माहौल यहाँ बना हुआ है, ये क्या जी, सियाल फूड ट्रक आए हाय, ये अच्छा ये ट्रक बना हुआ सर, वो देख सकते आप, टैटू लगे हुए थे, बड़ा लेवल का माहौल चला यहाँ पे। यहाँ से यार कुछ खाते कूते हैं, मैंने कहा कुछ पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा खा लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी दिन हो गया पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा नहीं खाया, पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा खाते हैं यहाँ पे, और तो फिर भूख सूख लगी थी काफ़ी, खा के तो फिर मिलता हूँ आपसे। क्या पहले अभी हम रोटी शोटी आ गई, देखिए जी पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा आ गया, ये तो शुरू शुरू कर दिया। ये हमारे मामू की काल को मैं दिखाता हूँ, ये मामू हमारे बड़े मौलवी टाइप के बंदे हैं, इनकी काल को लाई हुई है, ये फ्राइज फ्रूज है, ये देख सकते हैं आप, बड़ा ही लेवल का भी खाना खुना खाते हैं। पहली दफा यहाँ से खा रहा हूँ, खा के तो फिर आपको बताता हूँ कि कैसा बना हुआ है, ठीक है। फैली किटास राजमंदिर से हम बाहर निकले हैं, मैं दिखाऊँ आपको, इतना लेवल का व्यू है यहाँ पे, शाम का वक्त हो चुका और लाइटें जल चुकी है, अगर शायद आपको ये नजर आए अच्छे से, आए हाय हाय हाय, ये देखें जी व्यू यार, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कैमरे की आंख उसको कैप्चर नहीं कर रही, लेवल का व्यू आप देख सकते हैं कि काश आप यकीन करें, आप जहाँ पे आके देखें तो आपको पता चले कि कैसा लेवल का व्यू, देखें जी शाम का वक्त, तो ये गाड़ी खड़ी है हमारी, लाइटें आप देख सकते हैं जल रही हैं। मैं आपके लिए व्यू दिखाने के लिए रुका हूँ, मैंने कहा चलो व्यू शू दिखाते हूँ, बड़ा ही लेवल का व्यू है यार, ये देखें वो नीचे से रोड आ रहा है, आवाम आ रही, गाड़ियाँ छड़ियाँ आ रही हैं, ये देखें घरों की लाइट्स ऑन है, ये देखें लाइटें जल चुकी हैं यार, आप यहाँ पे खुद आके दबा देंगे, आपको देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कैसा व्यू है, बड़ा लेवल का व्यू है यार। मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा सारे आए हैं चोर सैदन शाह जी, ये चकवाल से 30 किलोमीटर दूर है चोर सैदन शाह, आप यहाँ पे आएँ और आगे देखें, बड़ा ही लेवल का व्यू है यार, आप आके एक दफ़ा ज़रूर आए यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये व्यू देखा तो मैं रुक गया, मैं कहा आपको दिखा दूँ अपने व्यूवर्स को, यूट्यूब फैमिली को ये दिखा दीजिए, व्यू आपको दिखाने के लिए रुका हूँ यहाँ पे, मैं शोर काफ़ी हो रहा है क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो अभी मैं गुजर रहा था यहाँ से, तो फाइनली चलते हैं घर, तो आपको घर ही जाके मिलते हैं। हाँ जी, ये पहले भी घर शहर पहुँचो घूम फिर के, बड़ा ही मज़ा मुझे तो आया यार। आज का व्लॉग ये था कि मैंने कहा चलो यहाँ पे वहाँ पे फैमिलीज वगैरह आई थी काफ़ी, तो मैंने इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर सका, लेकिन मैं एक अनाउंस कर रहा हूँ कि दोस्त वगैरह हमारे होंगे उनको साथ लेके हम जाएंगे वहाँ पे, एक ना अच्छा सा व्लॉग जो ना वो रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार आज फैमिली है तो कोई बात नहीं, आज फैमिली इंजॉय करने का, फैमिली का डे था, मुझे नहीं था पता, तो फैमिली के बगैर जब दिन होगा तो उस दिन चले जाएंगे। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग, लाइक और कमेंट्स करके कमेंट्स में बताना, आपने अगर आप चाहते हैं कि एक व्लॉग और वहां भी किया जाए तो आपने कमेंट्स करके बताना है। तो भाई अभी व्लॉग एंड करो, लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी मस्ती व्लॉग गैंग को कर लो ज्वाइन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके फिर।